कॉम्प्लीमेंट किस चीज के इक्वल है, हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी सेट हो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम उसका डिफरेंस कर देते हैं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। अब हम क्या लिखेंगे, U डिफरेंस A इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे U सेट। U सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। उसके बाद डिफरेंस, फिर हम लिखेंगे A सेट। A सेट हमारे पास है 1, 4, 8, 9 and 10। कोई भी सेट हो तो अब हम जब उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम दोनों सेटों में देखेंगे जो एलिमेंट होंगे कॉमन वो हो जाएंगे कैंसिल, जो पहले सेट में बाकी बचेंगे वो हमारा क्या होता है आंसर। यहाँ पर 1 है ये 1, यहाँ पर 4 ये 4, यहाँ पर 8, 8, 9, 9, 10, 10। ये सेम एलिमेंट थे, एक जैसे थे, ये कैंसिल हो गए, जो पहले सेट में बाकी बच रहे हैं वो हमारा आंसर है। पहले सेट में कौन से बच रहे हैं, 2, 3, 5, 6, 7। अब इसका हमने फाइंड करना है, ये ए कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड कर लिया, अब हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले तो आप जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यू। अब हमने बनाना है, सिर्फ हमें सेट ए दिया गया था तो हम इसके अंदर ही बना देंगे क्या, सेट ए। अब हमने लिखने हैं इसके अंदर एलिमेंट, तो आप एलिमेंट कैसे लिखेंगे, पहले दोनों सेट जो है यू और ए साथ में लिख देंगे। यहाँ पर ए सेट हमारे पास क्या है, 1, 4, 8, 9 and 10। फिर हमारे पास यू सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें देखें यूनिवर्सल सेट और जो ए है उनमें ये हमारे पास सारा का सारा रेक्टेंगल यू सेट था, उसके अंदर ही क्या बनाए गए हैं, ए बनाए गए। इसका मतलब क्या है, ए के तमाम एलिमेंट किस चीज में, यू सेट में मौजूद है। अब ने क्या करना है, ए के तमाम एलिमेंट सेट ए में लिख देने, क्या है 1, फिर है 4, फिर है 8, फिर 9, फिर 10, ये लिख दिए। अब आपने यहीं पर क्या करना है, यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से जो ए में जो एलिमेंट लिखे हैं वो आपने क्या कर देने, कैंसिल कर देने, 1, 1, 4, 4, 8, 8, 9, 10, 9, 10। अब जो बाकी बच रहे हैं 2, 3, 5, 6, 7 वो हम किस चीज में लिख लेंगे, यू में लिख लेंगे। यू में कौन से बचे हैं, 2, उसके बाद बचा है क्या 3, उसके बाद कौन सा बचा है 5, फिर हमारे पास क्या है 6 एंड क्या है 7। जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं दो सेटों का, यू माइनस ए है या हमारे पास है बी माइनस ए है या ए माइनस बी है या ए डिफरेंट बी है, जो सेट होगा पहले हम हमेशा उसी को क्या करते हैं, लाइनें ड्रा करके शेड कर देते हैं। यू डिफरेंस ए है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला जो सेट है हमारे पास यू, हम उसी को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सेट ए को आपने लाइन कोई भी पास नहीं करनी, इसको आपने कोई ऐसे नहीं गुजारने के लाइन इसमें से गुजरे, इस तरह से हम क्या करेंगे, लाइनें ड्रा कर देंगे। हमारे पास जो सेट ए है वो क्या रहेगा, वैसे जब वैसे रहेगा, और ए सेट में मौजूद जो एलिमेंट है वो हमारे पास आंसर में भी नहीं है। देखिए कौन सा आंसर है, 2, ये 2 लाइनों में आ गया, 3, 3 भी 5, 6, 7, ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी हम कैसे फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यू माइनस बी। सबसे पहले लिखेंगे यू सेट, यू सेट हमारे पास कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। उसके बाद मैंने फिर लिखेंगे बी सेट, बी सेट हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 7 and 10। अब हम क्या देखेंगे, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे क्या, कैंसिल। कैसे, जैसे कि यहाँ पर 2 है ये भी 2 कैंसिल, यहाँ पर 3, 3, 4, 7, 10, 3, 4, 7, 10 ये हो गए कैंसिल। अब पहले सेट में कौन से एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं, 1, 5, 6, 8 और 9, ये एलिमेंट क्या आ गए, बच गए। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट की बनानी है डायग्राम, हम इस तरह से बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे इस तरह से, ये हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट यू। अब हमने क्या करना है, इसमें बनाना क्या है, एक सेट बनाएंगे, कौन सा, बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके अंदर हम बनाएंगे, ये होगा हमारे पास क्या, सेट बी। आपने बी के तमाम एलिमेंट जो है वो आपने सेट बी में लिख देने हैं। बी के कौन से हमारे पास है, 2
3, 4, 7, 10। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से आप कैंसिल कर दें, ये 2, 2 से, 3, 3 से, 4, 4 में से, 7, 7, 10, 10। अब जो यूनिवर्सल सेट में बाकी एलिमेंट बच रहे हैं और जो यूनिवर्सल सेट की जो बाकी जगह बची हुई है, जो ये जगह है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, यू की जगह है। हम यहाँ पर तमाम एलिमेंट यू के लिख देंगे, कौन से हमारे पास 1, उसके बाद हमारे पास कौन सा है 5, उसके बाद हमारे पास कौन सा है 6, उसके बाद हमारे पास है 8, उसके बाद हमारे पास क्या है 9। अब यू डिफरेंस बी था तो हम किसको मैं शेड करेंगे, यू डिफरेंस बी में जो पहला वाला सेट होता है हमेशा उसको शेड करते हैं, किसको करेंगे, यू को। ये आपने बी को टच नहीं करना कि कोई भी लाइन इस तरह से नहीं गुजरनी कि वो बी में से होकर गुजरे। अब हमारे पास आंसर क्या था, आंसर हमारे पास भी यही था जिसको हमने शेड भी किया है, 1, 5, 6, 8, 9। ये हमारे पास है 1, 5, 6, 8, 9। सो हम क्या लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू बी कंप्लीमेंट। ये हमने थ्रू वेन डायग्राम क्या क्या प्रूव किया। ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आगे जो हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का है जो हमने अभी सवाल किए, बिल्कुल उसके रिलेटेड है। वहां पर भी हमें सेट दिए गए हैं, दो सेट दिए हैं, कौन से हैं, एक है यूनिवर्सल सेट जो है ए बी सी डी ई, दूसरा हमारे पास ए सेट है बी सी ए बी सी, दूसरा हमारे पास तीसरा बी सेट है बी डी ई। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट के लिए क्या लिखते हैं यू माइनस ए। सबसे पहले आप लिखोगे सेट यू, यू सेट हमारे पास क्या है ए बी सी डी ई, उसके बाद माइनस हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे सेट ए। ए सेट कौन सा है ए बी सी, हाँ जी। डिफरेंस में क्या करते हैं अभी बताएं, पहला हमने सवाल क्या था, जो एडजेस्ट एलिमेंट होंगे वो होंगे कैंसल, जैसे कि ए ए से, डी बी से, सी सी से, सी सी से। अब कौन सा बच गया है ए एंड डी, और दूसरा कौन सा है ई, ये है। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको नेम देंगे किस चीज का यू का, इसके अंदर हमारे पास कौन सा सेट था ए कंप्लीमेंट था, तो इसके अंदर हम बनाएंगे क्या सेट ए, सेट ए के तमाम एलिमेंट इसमें लिख देंगे। सेट ए के तमाम एलिमेंट कौन से थे ए बी और सी। हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो हमारे पास एलिमेंट थे वो आप कैंसिल कर दें, तो कौन से बच रहे हैं डी और ई। हम यहाँ पर लिख देंगे डी और यहाँ पर लिखेंगे ई। अब हमने यू डिफरेंस ए में से किसको शेयर करना होगा, हमने शेयर करना है यू को जो पहला सेट है, तो आपने क्या करना है इसको लाइन लगा देंगे, लाइन लगाकर शेड कर देना है। ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, जो शेडेड एरिया होता है वो हमेशा वेन डायग्राम का क्या होता है आंसर, तो हमारे पास आंसर क्या है डी और ई, इधर भी यही है। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास क्या है बी कंप्लीमेंट, वो आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। वहां पर सिर्फ ए कंप्लीमेंट की जगह बी कंप्लीमेंट और सेट चेंज होगा, बाकी यूनिवर्सल सेट वैसे रहेगा। इसके आगे हमारे पास है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में सबसे पहले हम लिखेंगे ए सेट, ए सेट हमारे पास क्या है ए बी सी, उसके बाद यूनियन, फिर हम लिखेंगे कौन सा सेट, फिर लिखेंगे बी सेट, बी सेट हमारे पास क्या था बी डी ई। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के मौजूद एलिमेंट्स को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, किस चीज का ख्याल करते हैं, एक तो तरतीब का ख्याल रखते हैं और दूसरा कि कोई भी एलिमेंट क्या ना हो रिपीट ना हो। यहां पर पहले पहले ए है, उसके बाद बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो हम एक भी लिखेंगे बी, उसके बाद होगा सी, उसके बाद क्या होगा डी, और लास्ट में क्या होगा ई। अब आपने इसकी बनानी है डायग्राम, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद इसको हमने नेम देना है यू का। अब हमारे पास ए सेट क्या था, ए सेट था हमारे पास ए बी सी, उसके बाद बी सेट हमारे पास क्या है बी डी ई। अब इन दोनों सेटों में देखें क्या हमारे पास ये सेट डिसजॉइंट है या ओवरलैप है। आपको डिसजॉइंट या ओवरलैप की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि अगर दोनों सेटों में कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा, मिनिमम क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए कॉमन, तो वो हमारे पास होता है क्या ओवरलैप सेट। अब इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी, इसमें बी, दोनों सेटों में एक एलिमेंट कॉमन आ गया, इसका मतलब दोनों सेट हमारे पास क्या है ओवरलैप। ये हमारे पास होगा ए और ये हमारे पास क्या होगा सेट बी।
अब सबसे पहले ए और बी में ये वाली जो जगह है वो ए में भी आ रही है, इधर से वो बी में भी आ रही है, ये जगह दोनों सेटों में क्या है कॉमन, तो हम यहाँ पर वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेटों में क्या होंगे कॉमन, इधर भी बी है इधर भी बी है, यहाँ पर आ जाएगा क्या बी, और कोई एलिमेंट देखिए कॉमन है, इधर ए सी है इधर बी डी डी ई है, कोई उनका कॉमन नहीं है, सिर्फ बी एलिमेंट कॉमन था वो हमने कहाँ पर लिख दिया यहाँ पर इनके कॉमन प्लेस थी। अब जो बाकी बच रहे हैं सेट ए में वो हम ए की जगह लिख देंगे, ए में कौन से बच रहे हैं ए और दूसरा हमारे पास कौन सा है सी, और जो बाकी बच रहे हैं बी की जगह लिख देंगे, बी डी बी सेट में कौन से बच रहे हैं एक है डी और दूसरा क्या है ई। मैंने आप लोगों को बताया था हम क्या करते हैं कि सारा का सारा जो हमारे पास डायग्राम होता है यूनिट में हम क्या कर देते हैं उसको शेड कर देते हैं, क्या करेंगे इस तरह से शेड कर देते हैं यूनिट में सारे के सारा जो डायग्राम आपने बनाया होगा उसको लाइन लगा दोगे, सिर्फ यूनिवर्सल सेट को क्या करोगे छोड़ दोगे, ये हमारे पास क्या होगा ए यूनियन बी, ये हमारा क्या आंसर ए इंटरसेक्शन बी भी आप इसी तरह करोगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे बी को शेड करेंगे, आप पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वहां पर हम पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।